हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास आई एम योर इंग्लिश टीचर और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में दैट इज वर्बुल्स एंड कॉन्सनेस ओके सो आज हम सीखेंगे वर्बुल्स एंड कॉन्सनेस के बारे में वर्बुल्स एंड कॉन्सनेस बेसिकली क्या होते हैं फ्रॉम ए टू जेड ए यू वर्बल्स होते हैं और रेस्ट ऑफ द लेटर्स आपके क्या होते हैं कॉन्सिन बट डोंट वरी आई बी एक्सप्लेनिंग यू इन मच बेटर वे की वर्बलेंट्स क्या होते हैं एक्सैक्टली ठीक है सो नाउ लेट्स फोकस ऑन हम सबको पता है कि इंग्लिश में इंग्लिश एल्फोबेट हैज ट्वेंटी सिक्स लेटर्स कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश एल्फोबेट में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स ओके एंड

वॉवल्स ओके ओके ना आप अपनी नोटबुक में या यू कैन डू टू थिंग्स ओके पहली चीज या तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो ए आई ओ यू या फिर आप अपने हाथों में राइट फिंगर्स पे ए आई ओ यू करके आप अपने वॉबल्स मेंशन कर सकते हो राइट सो so, मैं यहां पर इस ब्यूटिफुल अम्ब्रेला पे मैं आपको वॉबुल्स मैंशन करके दिखाऊंगी राइट

ओके नाउ लेट्स फोकस ऑन फर्स्ट वोवल जो हमारे पास है ए ओके ए इज आर फर्स्ट वोवल नाउ अब हम बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे ठीक है अब जैसे कि अब आप देखो ए डी वर्ड्स होते हैं ए एन वर्ड्स होते हैं ए पी और ए टी ओके पी ए डी पैड जस्ट लाइक नोट पैड की पैड M A D mad. Mad means getting crazy. Mad. S A D sad. Can you see the A sound? Can you feel the A sound? Sad. S A D sad. M A D mad. So, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जो जितने भी ये लेटर्स होते हैं जो ये साउंड आपको देते हैं दैट वुड बी योर ए एच ए डी अब आपको मुझे साउंड बताना है कि क्या होगा बी ए डी क्या बना बैड यस ओके हमने ये करा ए डी अब हम करेंगे ए एम वर्ड्स के बारे में सी ए एम

हम क्या करेंगे सी ए पी कैप जो आप कैप पहनते हो एल ए पी लैप लैप जस्ट लाइक लैपटॉप एम ए पी मैप मैप होता है राइट टी ए पी या तो नल या हम टैप करते हैं टैप करते हैं अपने फुट के साथ फुटबॉल टैप गैप स्पेस जी ए पी गैप एम ए पी मैप सी ए पी कैप

ओके okay? अब आपने खुद से इसको रीड आउट करना है बोल बोलकर अब सिमिलर तरीके से हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड दैट इज ई ई वेड ई ए फेड ई डी रेड एल डी लेड डी बेड बीईजी बेग P e G, पैग पैग मतलब चोच मारना एफईजी फैग एलई जी लेग जी ई जी गैग हम यहां पर साउंड पढ़ना सीख रहे हैं राइट कि आप किस तरीके से साउंड को बोलोगे पीई एन पैन एम ई एन मैन हेचई एन है ओके अब आप बताओगे टीई एन -E क्या बना और D -E N क्या बना मैं आपको बताती यहां पे लाइन रहता है ओके डी ई एन क्या बनाइए ओके ना ई टी सॉरी जे ई टी जेट पी ई टी पेट डब्ल्यू ई टी वेट अब आपको नेक्स्ट वर्ज आपने खुद क्रिएट करने हैं क्या बनेंगे एसई टी एमई टी ओके आपने खुद साउंड बोलना है राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर अदर वोवल वोवल नंबर थ्री दैट इज आई ई ई की साउंड आती है लिड बेड बी आई डी इड राइट आई डी एड 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 इट मींस आई प्लस डी मेक्स द साउंड इड इड एल आई डी लेड बी आई डी बेड के आई डी केड डी आई डी डेड एम आई डी मेड ठीक है तो यहां पर आई साउंड आ रही है अब दोबारा से देखते हैं उसको दोबारा से पढ़ते हैं राइट एल आई टी लेड बी आई डी बेड आई डी किड डी आई डी टेड एम आई डी मेट ओके तो आई ई मिट डेड किड सेड जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें ई की साउंड आती है तो इसके लिए हम कौन सा वोबल यूज करते हैं आई वोबल यूज करते हैं ओके अब ये देखते हैं और राइट नाउ इट्स फोकस Alright now, now let's focus on this. V-I-M Wim H I M Him T I M D-I-M, Dim. I M, you have to tell me. S I M, you have to tell me. Now let's pronounce the word. How would you pronounce it? Because now apku pata hai ki words, letters kya hai, sound kya hai. Okay? P-i-n kabana. डस्टबिन वाला बिन एस आई एन सिन सिन मतलब आपने कुछ आपने कुछ पाप करा, आपने किसी के साथ कुछ गलत करा सि आई एन क्या बना वी आई एन वेन यस एग्जैक्टली बी आई एट बी बी आई टी bit. F I T, wit. S I T, sit. K I T, kit. H I T, hit. All right. तो आप ये जितने भी words देख रहे हो इसमें सब में I की sound आती है All right. Now let's talk about our fourth number, जो कि है हमारा O. Ob, cob, सोब रोब जॉब राइट यहां पर आप देखोगे ओ साउंड ओबी ओ डी ओड ओ पी ओप ओ टी ओट सो अब जहां पर आप देखोगे जितने सारे वर्ड्स होते हैं जितने सारे लेटर्स होते हैं ये कंबाइन कर कर वर्ड्स को बनाते हैं ओके सी ओबी क्या बना कॉब एल ओ बी लॉब एस ओ बी सोब सोब मतलब सोब मतलब लाइकाना ओके सोब मतलब जैसे लेना लाइक थोड़ा सा रोना उसको हम बोलते हैं सोबिंग सोब आर ओ बी रॉब रॉब मतलब जस्ट लाइक रॉबरी चुराना ठीक है जॉब जॉब यू ऑल नो क्या होता है जॉब राइट आर ओ डी rod. M O D, mod. P O D, क्या बना Pod. N O D, क्या बना Nod. Nod मतलब सिर हिलाना इस तरीके से Yes. No. It means nodding. G O D, क्या बना God. Okay. P O P, pop. H O P, hop. होप मींस होपिंग होप मींस जंपिंग ओके जिस लाइक कैंग्रू होता है होप करता है वो एल ओ पी लॉप टी ओ पी टॉप सी ओ पी कॉप हेचओ टी होट सी ओ टी कॉट एल ओ टी क्या बना यू हैव टू टेल मी द साउंड एल ओ टी लॉट यस एनओ टी What will be the sound? Not. R-O-T. Rot. Yes. Okay. Now our fifth vowel. That is U. Okay. It's tub. Oki sound. Who sa the sound? Tub, hub, pub, cub, rub. ए ए और इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये थोड़ा सा अ की साउंड देता पब ओके रब, टब, ओके, यू बी ये होता है अब यू बी क्या अब यूजी क्या बना अग अग यू एन क्या बना अन, थोड़ा सा अ की साउंड आपको देता है ए की साउंड अ देता है ए की साउंड ए देता है और यू की साउंड अ देता है ओके इस तरीके से आपको थोड़ा सा लर्न करना है हिंदी साउंड्स के साथ अगर आप इसको लर्न करोगे तो आपको जल्दी से याद होगा ठीक है सो जो यू होता है वो थोड़ा सा अ की साउंड देता है राइट यू टी अट ओके नॉलेज डू दैट टी यू बी एच यू बी पी यू बी पप सी यू बी R -u -b, rub, R-U-B, rub, R-U-G, rug, T-U-G, tug, M-U-G, mug, H-U-G, hug, F-U-G, fog, B-U-T, but, H-U-T, hot, N-U-T, nut. पीयूटी put. यहां पर थोड़ा सा पी यू टी में थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा यहाँ पे पट नहीं होगा पट होगा सी यू टी कट ओके सो हम कुछ यहाँ पर हम कुछ यू you नो know, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके नॉर्मल साउंड से थोड़े से अलग होंगे तो हम उन एक्सेप्शन को भी हम रीड आउट करेंगे बट अभी आपको ये याद रखना है कि जो यू होता है वो अ की साउंड देता है और जो ए होता है वो ए की साउंड देता है ठीक है सो so, हमने फाइव के फाइव वॉवल्स हमने माइ स्टूडेंट्स माई लवली स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं राइट ए ई आई ओ यू ठीक है अब आपको फटाफट -फट बताना है ये क्या है ए ओके वट इज दिस एग एग ई की साउंड दे रहा है राइट right? सो so, आपको क्या करना है आपने और राइट right. अब आपने क्या करना है आपको ये पता होना चाहिए कि ए आई ओ यू हमने जितने भी वॉवल्स अभी पढ़े हैं इन वॉवल्स के साथ हमेशा एन का यूज होता है ओके okay? हमेशा एन का यूज होता है और बाकी कॉन्सनें के साथ ए का यूज होता है या द का यूज होता है राइट right? एग क्या होगा ये हमारे पास ये क्या है एग एक वॉवल है तो यहाँ पर होगा एन एग डॉग क्या ये वॉवल है या कॉन्सनेंट है डॉग डॉग इज अंसनेट सो यहां पर होगा अ डॉग यहां पर क्या है बॉय बॉय एक वॉवल है या बॉय एक कॉन्सनेट है बी तो यहां पर भी क्या होगा ए होगा राइट सो माई लव स्टूडेंट्स अब आपने ये खुद डिसाइड करना है कि यहां पर क्या होगा ये किससे शुरू हो रहा है वॉवुल से या कॉन्सनेट से और ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है वॉवल या कॉन्सनेट से ये भी आपको डिसाइड करना है यहाँ पर भी आपको रिसाइट करना है टी टाइगर टी टर्स होते हैं उन सब के साथ a लगता है और जितने भी वर्बुल्स होते हैं उन सब के साथ का यूज़ होता है ओके okay? अब आपको यहां पर क्या करना है सर्कल द बॉक्स ऑफ द हियर इन द नेम्स ऑफ पिक्चर्स अब ये क्या है वट इज दिस बस मैंने आपको बताया बस अ का साउंड दे रहा है तो अ कौन सा देता है यू ठीक है अच्छा यहां पर क्या हो रहा है वट इज दिस चिक चिक हेन के बेबी को क्या बोलते हैं हम चिक चिक तो कौन सा साउंड दे रहा है चिक ई आई आई का साउंड दे रहा है राइट right? चिक अब आपको यहां पर खुद डिसाइड करना है कि ये लेग है तो ये कौन सा वॉबल देगा अब आपको बताना है कि ये लेग है तो ये कौन सा वॉबुल देगा और ये टब है तो ये कौन से वॉबल की साउंड देगा ये फिश है तो ये कौन से वॉबल की साउंड देगा और ये बॉक्स है तो ये कौन से वॉबल की साउंड देगा आपको ये बताना है राइट right? ओके okay, अब हम फटाफट से अब हम आपके सामने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रही हो अब आपने वो क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं ओके द फॉलोइंग इज अ वॉबुल बी सी एफ ओके ये आपको बताना है कि क्या होगा व फॉलोइंग वर्ड्स डॉबुल एग बनाना डॉक क्या स्टार्ट नहीं हो रहा है यह भी आपने रिकगनाइज करना है वट इज द वर्बुल्स साउंड इन दर्ड बैग बैग हाउ मेनी वर्बुल्स आर देर इन इंग्लिश अल्फाबेट कितने वर्बुल्स होते हैं क्विकली आंसर मी the okay, the last question of of this class, in word house, 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 which of the vowel makes a long sound? House, house, right? So आपको बताना है कि कौन सा एक आपको long sound दे रहा है तो आपको क्या करना है आपको इसको बोलना है और guess करना है कि कौन सा vowel जो है आपको लंबा sound दे रहा है और आपने वो decide करना है ठीक है सो ऑल राइट माई लवली स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा वॉबुल और कॉन्सनेट्स के बारे में कि फाइव वॉवल्स और ट्वेंटी वन कॉन्सनेट्स होते हैं और अब आपने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल बी सींग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच